आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। दिल्ली ही नहीं, अब महंगाई को लेकर राजधानी रांची में भी आवाज उठने लगी है। हम राजधानी रांची के अल्बर्ट एका चौक पर मौजूद है और यहाँ पे भी सीपीआई के कार्यकर्ता महंगाई, बेरोजगारी समेत कई अन्य मांगों को लेकर लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में महंगाई को लेकर आज रांची में क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है भुवनेश्वर केवट जी है। क्या लग रहा है महंगाई को लेकर आज क्यों सड़क पर उतरे हैं, क्या कारण रहा है? देखिए, पूरे देश की जनता महंगाई से तराही तराही कर रही है। देश में कोई भी सामग्री, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, या गरीबों को जो राशन की दुकान से मिलने वाला जो गेहूं है, सरकार ये तमाम ऐसे आपूर्ति जो जीवन रक्षक चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों की दाम में बेतहाशा मूल्य वृद्धि हुई है। इस मूल्य वृद्धि से पूरे देश की जनता तराही तराही कर रही है और आज हम लोग ये वामपंथी दल पूरे देश के अंदर में इस महंगाई और जिस तरह से बेकारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, इसके खिलाफ हम लोग देश भर में जन अभियान चालू करिए। ये आक्रोश जो है वह नहीं देखने को मिल रहा है, क्या कारण है कि सिर्फ सीपीआई और कांग्रेस जो है राज्य भर में जो है महंगाई बेरोजगारी को लेकर जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो लीडिंग पार्टी है फिलहाल राज्य में, जिसकी सरकार है, वह अब जो है विरोध नहीं दिख रही है? क्यों, क्या ऐसा कारण रह गया? क्या लग रहा है कि जो विपक्ष है वो एकजुट नहीं हो पा रहा है, या फिर महंगाई किसी पार्टी के लिए मुद्दा है किसी के लिए नहीं? महंगाई वो राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं है, यही तो सबसे बड़ी जो है ना यानी दुख की बात है। महंगाई अगर पॉलिटिकल पार्टियों का मुद्दा हो जाता तो देश के अंदर में ये हालात नहीं होता। जिस तरह से हम लोग देखते हैं विधानसभा और संसद के अंदर में वो सस्ते रसगुल्ले खा खा करके नेताओं को तो महंगाई समझ में नहीं आता है। तो ये देश के गरीब जनता का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, एक एक लोगों का मुद्दा है। इसीलिए आज अगर राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं बन रहा है तो ये आप समझिए कि राजनीति जो जनता की राजनीति, जन राजनीति होना चाहिए, ये राजनीतिक दल भी जन की राजनीति से दूर हो गए हैं और ये उनको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अभी दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, महंगाई है देश के अंदर में, इसमें दो राय की बात नहीं है। गैस सिलेंडर सस्ता यानी फ्री सिलेंडर बांट दिए और ऊपर से तीन गुना रेट बढ़ा दिए, ये एक तरह से बेवकूफ़ बनाने वाला, धोखा देने वाली बात है। तमाम चाहे गेहूं हो, चावल हो, सोडा हो, साबुन हो, तेल हो, यानी 70% तक पूरे देश के अंदर में यानी 15% से ज़्यादा महंगाई पूरा छलांग लगा रहा है। तो ये अगर नेता अगर पूरे देश की नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं, देश की जनता के नब्ज को नहीं टटोल रहे हैं, अंदर मन की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, तो उस राजनीतिक दलों का भी वही दुर्गति होगी जो पिछले दिनों हुआ है। इसीलिए मुद्दा पूरे देश के एक लोगों का मुद्दा है, महंगाई के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं और सभी लोगों को हमारे लाइन पर खड़ा होना पड़ेगा। वो बोलते कब हैं? जब वो चुनाव आएगा तब बोलेंगे महंगाई दिखेगा, जब वो गांव में जाएंगे तब दिखेगा कि महंगाई उसको नजर आता है। ये अभी के समय में सत्ता भी जो है, जो लोग बैठे हुए हैं उसको एक अजीब है, जब कहीं चुनाव होगा तो पता ही चलेगा सब चीज़ सस्ता हो जाएगा, चुनाव से जैसे वो बाहर आएंगे तो वो सभी चीज़ों का दिन दोगुना रात चौगुना रेट बढ़ाना चालू करेंगे। तो यह जो अंधेर गर्दी चौपड़ राजा टके सर भाजी टके सर खाजा का हालत है, वाम दल ही और सेकुलर और राजद और तमाम ऐसे लोग जो लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर के माहौल को ठीक किए हैं, इस बार भी देश की राजनीति को पटरी पर लाएंगे, इस बात का ऐलान है। इन्होंने साफ साफ कहा कि कहीं ना कहीं जो महंगाई है वह क्षेत्रीय दलों का मुद्दा नहीं रह गया है, इसी कारण आज जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़कों पर विरोध करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे कि विरोध तो कर रही हैं, या विरोध के साथ साथ जो राशन होता है, जो घर का बजट होता है, कितना बिगड़ा है इस महंगाई में? पूरा ही बिगड़ा हुआ है। 31 मई को मैंने खाली सिलेंडर थमा दिए हैं उज्ज्वला योजना में मोदी जी, अब वो सिलेंडर जो है उन्हीं के सर पे पटकना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। मोदी जी जो लिंग ढूंढ रहे हैं ना मस्जिद के नीचे, वो ढूंढ के कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा है कि कम से कम पेट्रोलियम 20 रुपये बढ़ा करके 10 रुपये घटाने से अच्छा है कि थोड़ा देख ले कि पेट्रोलियम यही सब कहीं श्रीलंका से तो डर के नहीं ना कर रहे हैं सब, अगर कर रहे हैं तो खैर अलग बात है, थोड़ा डरना चाहिए। पहले कितना में राशन चल जाता था घर का, अब कितना अधिक बढ़ा है, क्या लग रहा है कि महिलाएं जो घर चलाती हैं, महिलाओं को घर चलाने की जिम्मेवारी होती है, पैसा देते हैं पुरुष कमा कर लाते हैं, अब तो हालांकि महिलाएं भी कमा रही लेकिन घर चलाने की जो जिम्मेवारी होती है वो महिलाएं को होती है, कितना बजट? एक सीधी सी बात समझ लीजिए,
दुगनी से भी 10% ज़्यादा सिलेंडर, पेट्रोल की भी कीमतों में यही इजाफा है, मैंने 70% इजाफा है पेट्रोलियम में, 20% इजाफा है आपके कुकिंग ऑयल्स में, ठीक है, 30% से 35% है आपके दलहन अनाज में। आप समझ जाइए क्या पैसा बढ़ा, जो इनकम थी वो बढ़ी नहीं, कोरोना काल के बाद लोगों की इनकम घट गई, रोजगार चला गया, कुछ घर में जो दो लोग सही में काम कर रहे थे, जो थोड़ा वुमेन्स वर्क मैंने वर्किंग वुमेन्स हो गई थी वो घर बैठ गई, या उनके पुरुष घर बैठ गए वो काम कर रहे हैं, और महिलाओं के साथ सबसे बड़ी विडम्बना क्या है, वो सस्ती मजदूर। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, राजद के लोग हैं, राजद से बात करेंगे कि राजद लगातार महंगाई को लेकर विरोध कर रही है, लेकिन इनके मंत्री जो है घर में सड़क पे नहीं दिखाई पड़ते हैं, ऑफिस में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सड़क पर जो है मंत्री जो है दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप हमेशा राजद से नेतृत्व करते हैं, क्या कारण है कि राजद में उस तरह से क्यों ऐसा हो रहा है कि आप सड़क पर है, बाकी लोग ऑफिस से विरोध कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। पूरे देश में वाम दल द्वारा महंगाई, देश की में अराजकता के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसका राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में और सभी जगह में उसका हम समर्थन करते हैं, और आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में जो सरकार है वो मंदिर मस्जिद में की लड़ाई लड़वा रहा है, भ्रष्टाचार से और महंगाई से के मुद्दा से देश की जनता को भटकाने के लिए मंदिर का मस्जिद का मुद्दा ला रही है और कोई काम नहीं कर रहा है। इस देश में पहली सरकार है। राजद कब सड़क पर उतरेगा, क्या लग रहा है, राजद में सिर्फ एक ही नेता रह गए वो राजेश यादव? नहीं, राजद में सारे लोग उतरेंगे, सारे लोग 31 मई को जो होगा उसमें राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता सारे लोग इस आंदोलन में वाम दल के आंदोलन का समर्थन करते हैं, हम लोग रोड पर हैं। बता दें कि महंगाई को लेकर यह जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और दूसरी ओर बता दें आपको कि यहाँ पर्ची बांटी जा रही है, पर्ची में साफ साफ लिखा जा रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार से आह्वान किया जा सकता है, किया जा रहा है कि यह जो महंगाई और बेरोजगारी उसे सरकार कम करे। हालांकि सरकार इनकी बातें कितनी सुनती है वह समय बताएगा।